ಫಂಡ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದೇಶ ಬರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ದೇಹವಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲ್ಲ ದೇಶ ಒಂದು ದೇಹ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ದೇಶವನ್ನ ಇಭಾಗವಾಗಿಸುವಂತ ನರೇಟಿವ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सब के लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा, पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है, कांटा पैर को लगता है, आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश 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 का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से, अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंग अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके उन भाषा घड़ रही है, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, झारखंड का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलंपिक के खेल के अंदर जाकर के मेडल लेके आएगा तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो झारखंड का बच्चा है? पूरा देश कहता है हमारा देश है। जब एक झारखंड का बच्चे में प्रतिभा देखते हैं और देश हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में भेजता है तो हम ये सोचेंगे कि खर्चा झारखंड के लिए हो रहा है, कई देश के लिए नहीं हो रहा है? हम क्या कहने लगे हैं, क्या भाषा बोलने लगे? इस देश का गौरव, हमारे यहाँ वैक्सीन, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन का, हम ये कहेंगे वैक्सीन तो उस कोने में बनी थी इसलिए हक उनका है, देश को नहीं मिल सकती, कैसा सोच सकते हैं? वैक्सीन उस शहर में बनी थी इसलिए देश के और भागों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये सोचेंगे क्या? क्या सोच बन गई है? और एक राष्ट्रीय दल के अंदर से ऐसे विचार आए, ये बहुत बहुत दुखद की बात है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय सभापति जी, क्या अगर हिमालय कल कहना शुरू कर दें, हिमालय कल बोलना शुरू कर दें कि नदियां मेरे हाथ से बहती हैं, मैं तुम्हें पानी नहीं दे दूंगा, पानी का अधिकार मेरा है, देश का क्या होगा? देश कहां जाकर के रुकेगा? अगर जिन राज्यों में कोयला है वो कह दे कोयला नहीं मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, जाओ तुम अंधेरे में गुजारा करो, देश कैसे चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ऑक्सीजन, कोविड के समय हमारे यहाँ ऑक्सीजन की संभावनाएं, पूर्व कार्य में जो उद्योग है उसके साथ देश के पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी, अगर उस समय पूरब के लोग कह करके बैठ जाते ऑक्सीजन को हम नहीं दे सकते, हमारे लोगों की जरूरत है, देश को कुछ नहीं मिलेगा, क्या होता देश का? उन्होंने संकट झेल करके भी देश को ऑक्सीजन पहुंचाया। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को, हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली है। News First, निर्भीतियिंद निम्म परवागी।